Hello, students. My name is Nidhi, and in this video lecture, we are going to do the poem Mystery of the Talking Fan. Okay, so this is the fifth poem from the book Honeycomb, and we are going to start with the poem itself. Okay, so let's read the poem first. Once there was a talking fan, electrical his chatter, I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Okay, because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as वॉटर ओके सो दिस इज अबाउट अ फैन राइट अलिंग फैन जो कि हम सबके घर में एक ऊपर रहता है सीलिंग पे ठीक है और जो फैन रहता है तो यहाँ पे क्या है एक बहुत ही इमेजिनेटिव परसपेक्टिव से राइटर ने इसके बारे में लिखा है इस पोम को राइट right? कि वो जो फैन है वंस देर वॉज अ टॉकिंग फैन अब वो फैन टॉक कैसे कर रहा है राइट हाउ इज इट टॉकिंग इलेक्ट्रिकल हिज चार्जर और उसकी चार्जर जो है वो इलेक्ट्रिकल है क्यों इलेक्ट्रिकल ऑफकोर्स बिकॉज इट्स रन बाई इलेक्ट्रिसिटी राइट और वो जो उसकी आवाज़ है जो उसकी साउंड है वो इलेक्ट्रिकल है आई कूडेंट क्वाइट हेयर वॉट ही सेड एंड आई होप इट डजेंट मैटर ठीक है और मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा वो आवाज़ तो कर रहा है बट आई कैन नॉट मेक आउट कि वो क्या कह रहा है ठीक है और आई होप इससे मैटर कुछ ऐसा बड़ा कुछ मैटर नहीं करती हो ये चीज के कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं हो क्योंकि वो बोल तो रहा है राइट बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर और फिर एक दिन क्या होता है किसी ने उसकी जो मोटर है राइट right? फैन की जो मोटर है उसमें क्या किया है ऑयल डाल दिया है एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज पॉइल्ड ही रैन एज टिल वाटर और फिर ऑयल डालने के बाद क्या हो गया अफकोर्स उसमें जो साउंड क्रिएट कर रहा था वो जो एक चिक 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 साउंड क्रिएट करता है राइट right? जब उसकी फ्रिक्शन होने लग जाता है मोटर में तब वो बंद हो जाती है जैसे उसमें ऑयल डल जाता है दिस इज अ वेरी नॉर्मल यू नो अकरेंस इन आर लाइफ राइट हमारे घर में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कभी कभी कुछ कुछ सीजन ऐसा होता है जिसमें कि फैन आवाज़ करने लग जाते हैं राइट right? बहुत ही कभी कभी बहुत जोर से आवाज करने लग जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे पोइट को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोल रहा है बात कर रहा है वो राइट और उसे समझ तो नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है ये फैन पर क्या कहना चाह रहा है क्या मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ बोल रहा है बट आई होप ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हो कि जो मुझे पता होना चाहिए था क्योंकि अब तो उसने बात करना एकदम बंद कर दिया है और उसकी आवाज़ कैसी आ रही है बिल्कुल एक वाटर जैसे बहता रहता है पानी जैसे बहता रहता है बिल्कुल साइलेंटली उसी तरीके से वो फैन भी उसी तरीके से चल रहा है विदाउट मेकिंग एनी साउंड ओके सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोम इट इज़ Written from a child's perspective, right? How the imagination creates something out of a very normal, out of a very mundane occurrence, right? So, <clears throat> let's look at the explanation of the poem. In the poem, the speaker is a young and innocent child. Of course, because the kind of imagination that is being put into this, you know, a very normal everyday thing, it can only be done from a child's perspective, right? ही टॉक्स अबाउट अ टोकिंग फैन हुज चैटर नॉइज वॉज इलेक्ट्रिकल ठीक है और एक फैन है जिसकी आवाज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल है अफकोर्स बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वाला गैजेट ही है फैन और उसकी आवाज़ जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की आवाज़ है राइट right? चैटर मतलब वो जो बोल रहा है जो भी आवाज़ कर रहा है राइट द चाइल्ड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वट द फैन इज ट्राइंग टू से और अफकोर्स बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ऑफकोर्स फैन तो बस एक साउंड क्रिएट कर रहा है वो कुछ सचमुच में कुछ बोल नहीं रहा है However, it doesn't matter because one day someone put oil into its little whirling motor and whole mystery was spoiled. Now the fan started running as still and quiet as water. ठीक है पर क्या है कि अब एक दिन के बाद वातें या जो भी ये सब बंद हो गई है और इट डजेंट मैटर कि वो क्या कह रहा था पहले क्यों क्योंकि किसी ने उसके जो मोटर है वर्लिंग मतलब जो घूम रही है फैन घूमता है course इट रोटेट्स राइट तो जो घूम रहा है उसकी मोटर में किसी ने ऑयल डाल दिया है ऑयलिंग कर दी उसकी और उसकी वजह से क्या हो गया है उसकी जो होल मिस्ट्री मतलब कि जो उसकी बातें थी उस फैन की जो बातें थी वो पूरी मिस्ट्री जो थी वो एकदम खत्म हो चुकी है बिल्कुल बिगड़ चुकी है कैसे क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है क्यों नहीं बोल रहा है क्योंकि ऑयलिंग की वजह से इट इज़ गॉन कम्प्लीटली क्वाइट राइट इट्स रनिंग एज टिल एंड क्वाइट एज वाटर इन अदर वर्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स अ फैन मेकिंग टू मच नॉइज

के क्या कहना चाह रहा है ये पर वो सब कुछ एक दिन अचानक से खत्म हो जाता है कब जब वो उसके अंदर ऑयल डल जाता है फैन में और उसकी आवाज एकदम बंद हो जाती है ठीक है लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर फैंस डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू वट इज इट देन दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर ठीक है ऐसा तो नहीं है कि फैंस बातें करते हैं राइट right? बट ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि वो बोल रहे हैं ठीक है ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चैटर है मतलब कि कुछ चैट कर रहा है बातें कर रहा है

इतनी देर से जो बोल रहा है क्या बोल रहा था वो क्या डिमांड कर रहा है the talking fan was demanding some oil, of course, क्योंकि ऑयल होते वो चुप हो गया राइट right? It was seeking the attention of the people at home to put oil into the motors. Once it got oiling, it became silent. See the thing is, just see, usko fan ko oil kar diya gaya, to chup ho gaya. So we can say that the you know the time that fan was making that sound, it was crying for oil, right? It was asking the owners to put some oil into it next question is how does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on electric fan air on right what is the function of an you know like the fan an electric fan manages to throw so much air when it is switched on as it has an electric motor which rotates and makes the three blades of the fan move round and round at a specified speed right हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती है वो किससे चलती है देर इज दिस थिंग कॉल्ड अ मोटर राइट हर एक चीज़ में एक मोटर होती है जो कि कनेक्टेड होती है स्विच बोर्ड से हम जैसे ही बटन ऑन करते हैं वो लाइट से वो वायर से पूरी लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पहुँचती है मोटर तक एंड दैट मोटर मेक्स द थिंग्स रन ठीक है दैट इज हाउ ऑल द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर कंडक्टेड ठीक है तो इसी तरीके से फैन चलता है फैन के जो वायर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक तो उसकी मोटर से और फिर एक लाइट बोर्ड से ठीक है और उसमें फिर जैसे ही मोटर होती है घूमती है और घूमने से, <coughs> से जो फैन के मिडिल पार्ट से जो ब्लेड्स कनेक्टेड है वो भी घूमती है साथ में तो वो होती है जो कि एयर प्रोड्यूस करती है ठीक है दैट इज हाउ अ फैन वर्क्स ओके सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल पोम देर आर नो टफ टेफर्ड्स इन इट देर इज नथिंग दैट इज टू हार्ड टू अंडरस्टैंड ओके एंड दीज आर द मेजर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो I'll see you in the next lecture. Goodbye.